जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका स्वागत है और हम जीएन भारत आपको लगातार सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर जो छापेमारी हुई है ईडी की, उसकी लगातार अपडेट हम आपको देते आ रहे हैं। और अब जो अपडेट निकल के सामने आ रहा है वो यह है कि साहिबगंज में करीबन 14 से 15 ठिकाने पे छापेमारी हुई है। वहाँ से 19 इनके जो करीबी है भगवान नाम के, उनके घर से 19 डीड के पेपर मिले हैं। जी हाँ, और आपत्तिजनक, जी हाँ, इंक्रीमेंट यानी आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। आपको बताते चले कि गंगा तट के किनारे और इस साइड लेफ्ट और राइट साइड करीबन सुनने में आ रहा है कि 50 एकड़ जमीन जो है इन लोगों ने खरीदा है, इन लोगों ने मिलकर सबने खरीदा है। और इस क्योंकि ये ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा होगी, आप समझ सकते हैं, यू नो, गंगा नदी के किनारे जो ज़मीन होता है वो कितना फर्टाइल होता है और इसे कमर्शियली भी कितना बेनिफिट होता है। वो सारे ज़मीन को अवैध रूप से टेंडर दिया गया, अवैध रूप से खरीदा गया। ये सारे जो दो, आपको बता रहे, दो बक्से मंगाए गए हैं, एक तो 5 करोड़ पैसे और इसके साथ ही 5 करोड़ हमने आपको जैसा कल बताया था, और जो डीड के जो पेपर्स मिले वो पेपर्स के लिए भी स्पेशल बक्सा मंगाया गया है। आपको बताते चले अभी हाल में बक्सा बड़ा फेमस हुआ था क्योंकि पूजा सिंघल के जो चार्जशीट है वो 5000 पन्नों का जो चार्जशीट है वो बक्सा में बंद करके आया था। तो कहीं ना कहीं ये बक्सा जो है जीने नहीं देगा और इस बार ये बक्सा ये का गाज गिरा है सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के। आपको बता दें उनको 24 घंटे पूछताछ किया गया, ईडी ने गुप्त स्थान पर ले जाके पंकज मिश्रा से पूछताछ किया और उसके बाद छोड़ दिया गया। इस पर जेएमएम के उन्होंने भी शाम तक मीडिया को बताया कि ये बहुत गलत बात है, जब पंकज मिश्रा पर कार्रवाई हो रही है या फिर उनके घर में छापा पड़ रहा है तो बार बार सीएम हेमंत सोरेन का नाम क्यों उछाला जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन एक अलग व्यक्तित्व है, वो पंकज मिश्रा नहीं है, वो सीएम के विधायक प्रतिनिधि है। विधायक प्रतिनिधि होना और खुद हेमंत सोरेन होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये उन्होंने मीडिया को भी और पत्रकार को भी सिखाया कि आप लोगों को पत्रकारिता सीखनी चाहिए, कार्रवाई किसके घर में हो रहा है और नाम आप किसका लपेट रहे, इस तरह की चीज़ें। यानी जेएमएम ने खास तौर पर बहुत कड़ी नाराजगी जताई है बार बार सीएम हेमंत सोरेन का नाम जिस तरीके से आ रहा है पंकज मिश्रा के साथ इसको लेकर, और साथ ही कहा है कि जो भगवान जो है और हीरा भगत है ये दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता है, उस पर क्यों नहीं सवाल उठ रहा है। लेकिन खैर, सवाल जो भी हो, सच्चाई यही है कि ईडी जो है वो अपनी जाँच जारी रखी हुई है और पंकज मिश्रा बता दे चले कि रांची आ गए और वो अब साहिबगंज भी जा चुके हैं। और ये पंकज मिश्रा ने भी मीडिया को ये बताया कि मैं वहाँ पे आयुर्वेद उपचार के लिए गया था उत्तराखंड, मैं कोई भागा नहीं था जैसे खबरें आ रही है। और अगर ईडी चाहे, वैसे उन्होंने पहले भी बोला था कि मैं डराता नहीं हूँ, अच्छी बात है, नहीं डरना चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं सहयोग करूँगा, ईडी का पूरा सहयोग करूँगा, ईडी जहाँ बुलाएगी मैं जाऊँगा। लेकिन इस तरह की अफवाहें ना उड़ाई कि मैं भाग गया, हो गया, मैं आ गया हूँ और सारा सहयोग कर। देखना दिलचस्प होगा कि इतने जगह जो छापा पड़े और क्या कुछ निकल के सामने आता है। और एक जगह जो छापा पड़ा है हम आपको बताते हैं, सूत्र, अगर आप हमारी सूत्रों को माने तो 4 से 5 पिस्टल और जो गन राइफल है ये भी बरामद हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें बरामद होती जा रही है। आपको बताते चले स्टोन चिप्स का जो अवैध कालाबाजारी था इसको लेकर ये पूरा का पूरा छापा पड़ा है और अप्रैल से ही निगाह थी, बाज की नज़र थी ईडी का पंकज मिश्रा पे, फाइनली शिकंजे में आ ही गए। अब ईडी को दोबारा कब समन होता है पंकज मिश्रा को, आप देख सकते हैं ईडी कार्यालय के बाहर ही खड़े, ये वही कार्यालय, अगर इन केस समन होता है पंकज मिश्रा को या फिर उनसे जुड़े हुए भगवान हीरा भगत जितने भी जो पूरा का पूरा एक सिंडिकेट जो है होता है, ये इसी कार्यालय में, जैसे पूजा सिंघल में इस कार्यालय में पूछताछ हुई, इसी कार्यालय में फिर से ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से यहाँ पर मीडिया का और साथ ही पॉलिटिशियन और जितने भी बिजनेस टाइकून जो जिनका नाम आ रहा ईडी में, फिर से यहाँ जमावड़ा लगेगा, कहीं ना कहीं रेड कारपेट जो है वो बिछेगा ये सारे के सारे बिजनेस मैंस के लिए। तो पूजा सिंघल के मामले में जैसा हमने देखा था, एक बार फिर से इतिहास लगता है बहुत जल्द 1 महीने के अंदर दोहराएगा। तो ये यही हॉटस्पॉट जगह है जहाँ पे आज नहीं तो कल पंकज मिश्रा को तो यहाँ पे आना ही होगा, क्योंकि जैसा उन्होंने खुद चुनौती दी थी, मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए, उनकी ख्वाहिश भी ईडी ने आखिर पूरी कर ही थी। ईडी चीज़ ही ऐसी कि हर बिजनेस टाइकून की ख्वाहिश आजकल स्पेशली झारखंड में पूरी की ही जा रही है, चाहे देर हो या सवेर हो। ऐसे तमाम अपडेट के लिए और खासकर ईडी से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप बने रहे जीएन भारत के साथ। मैं शिखा श्रेया अपने सहयोगी बजाज राशिका के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।